खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में महिला का शव कई टुकड़ों में मिला है। पॉलिथीन में फेंकी गई है लाश, नहीं हुई है महिला की शिनाख्त। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंका गया था शव के टुकड़े टुकड़े करके। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सराय काले खां इलाके में शव मिला। बदबू फैलने के बाद जब पुलिस इस इलाके में पहुंची और जब सर्च किया गया इलाके को, तो ये महिला के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं पॉलिथीन में। एक पॉलिथीन बैग में भर के इसे फेंक दिया गया था इन इलाके में। दिल्ली के सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर पॉलिथीन में पैक कर एक महिला की कई टुकड़ों में लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सराय काले खां पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। राहगीरों के मुताबिक मेट्रो स्टेशन पर सफेद पॉलिथीन में बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पॉलिथीन की जांच की तो उसमें महिला का शव कई टुकड़े में मिला। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को बुलाया। पॉलिथीन में महिला की खोपड़ी, हिप्स का हिस्सा, बांह और हाथ का पंजा मिला है। पुलिस को यह आशंका है कि हत्या किसी और जगह पर की गई है और उसके बाद महिला की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी ही साजिश से जो महिला की बॉडी है उसको प्लास्टिक बैग में रखा गया और उसके बाद जो हत्या करने वाला शख्स है उसने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहां पर फेंक दिया। फिलहाल जो पुलिस है उसका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसी के अलावा जो महिला की पहचान है वो भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को उस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस की जो कि सनलाइट कॉलोनी थाने का इलाका है वहां की जो पुलिस है वो भी इस पूरे मामले में लगी है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर टुकड़ों में कटी मिली महिला की लाश की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एक महिला का शव टुकड़े टुकड़े करके बोरी में लेकर के एक बेहद व्यस्त इलाके में लाकर फेंक दिया जाता है, पुलिस पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस मामले में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? बिल्कुल चंदन, अभी तक पुलिस को जो जानकारी मिली है उसमें जो टीम है, जांच टीम है, क्राइम टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी कल, और इसके अलावा FSL को भी जांच के लिए कहा गया है। अभी जो शव है, जो शव के टुकड़े थे वो एम्स में रखे गए हैं, वो सभी अवशेष एम्स में रखे गए हैं। बड़ी बात यह है कि काफ़ी समय से ये बॉडी पार्ट्स वहाँ पे थे। जब बदबू आना शुरू हुई तो वहाँ पर लोगों ने शिकायत की, उसके बाद जो सनलाइट थाना की पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची थी। अभी तक ये कह पाना कि वो शव किसका है आशंका जताई जा रही, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स थे उसके पास ही बालों का एक बड़ा गुच्छा मिला था, तो कहीं ना कहीं वो एक महिला का शव बताया जा रहा है। कोई भी आधिकारिक बयान इस अपराध से जुड़ी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे मामले जब होते हैं खास करके देश की राजधानी दिल्ली में भी चंदन, तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। Z News।